ट्रेन भी निकल गई है, स्टेशन से आगे निकल चुकी है। अभी 10-15 किलोमीटर के बाद हम लोग कोटा पहुँच जाएंगे। दो संभल सकते चलो ना, इसमें चलिए 15 मिनट हो गया है और 5 मिनट ट्रेन रुकेगा यहाँ पर उसके बाद। तो अभी हम पहुँच गए हैं चापा रेलवे स्टेशन, जो कि टाइम 9 बज रहा है। ट्रेन यहाँ से 11:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जयदेव रेड्डी और इस वक्त मैं हूं छतरपुर रेलवे स्टेशन में और आज मैं जा रहा हूं चिरमिरी, जो कि यहां से 900 किलोमीटर दूर है और छत्तीसगढ़ का एक हिल स्टेशन है। तो आज जिस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले हैं उस ट्रेन का नाम है हीराकुद एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर है 20807। ये विशाखापट्टनम से चलकर अमृतसर तक जाती है। इस ट्रेन में हम लोग बिलासपुर तक सफ़र करेंगे। तो ये जो ट्रेन है ये भुवनेश्वर, संबलपुर, झारसुगड़ा, रायगढ़ होते हुए हम लोग को बिलासपुर तक पहुँचाएगी। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे 685 किलोमीटर्स। तो आज की हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में और बोगी है S2। तो सीधा आप ट्रेन पे मिलते हैं, टाइमिंग हो गया है ट्रेन का आने का। तो हमारा ट्रेन का अनाउंसमेंट हो गया है, बहुत जल्द ट्रेन आने वाली है। ट्रेन भी निकल गई है यहाँ से। बात करें ट्रेन की तो इसमें सारे LHP कोचेस लगे हुए हैं और इंजन की बात करें तो WFE-7 का लोकोमोटिव है विशाखापट्टनम का। तो आज की सुबह की शुरुआत एकदम हसीन रेल जर्नी के साथ। बात करें ट्रेन के वॉशरूम की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिन और आईना लगा हुआ है, यहाँ डस्टबिन भी है। वॉशरूम के अंदर जाके दिखाता हूँ आपको मैं कि क्या। तो एक बड़ा सा मीटर लगा हुआ है, शॉप इसमें है नहीं, पानी टैप वाटर ऑन, बस बस लगा हुआ और बस। रेल लाइन पूरी को जाती है,
तो अभी हम पहुंच गए हैं खोर्धा रोड जंक्शन। ये एक मेजर रेलवे स्टेशन है ईस्ट कोस्ट रेलवेज का, क्योंकि अगर आप पूरी जाते हैं तो यहीं से होकर गुजर के जाएंगे, चाहे आप देश के किसी भी कोने से आए। तो यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो KUR है। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर। 2 प्लेट भरा लेते हैं, निकलेंगे यहाँ से। 10 रुपये 2 सांभर चटनी देंगे? चलो ना, इसमें चेंज दे दो। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। ये उड़ीसा का हेडक्वार्टर भी कह सकते हो, यानी कि राजधानी है ये उड़ीसा का। और यहाँ का जो ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसका भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। यहाँ का 10 मिनट का हॉल्ट है, तो 10 मिनट हो गए हैं, अभी इधर ट्रेन पे चलते हैं। तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से ट्रेन निकल गई। रिवर के ऊपर से गुजर रही है, देख सकते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ढेंकानाल, जो कि उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन में से एक है, क्योंकि ये उड़ीसा के 30 जिलों में से एक है। और साथ ही साथ ये पूरे जंगल और वन्य प्राणियों से घिरा हुआ है, जिसके वजह से ये पूरे देश में काफ़ी फेमस है। इसको जंगलों से घिरे होने के कारण इसको बाघों और हाथियों का घर भी माना जाता है। यहाँ पर IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की एक शाखा भी है, जिसकी वजह से इसको पूरे देश में काफ़ी फेमस है ये ढेंकानाल। ढेंकानाल रेलवे स्टेशन का कोड है DNKL। और यहाँ पर हीराकुट का सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है, तो ट्रेन अब जाने वाली है। चलते हैं सीधा अपने सीट पर। ट्रेन हमारी खड़ी है आउटर में, अभी पहुँचने वाली है तालचेर रेलवे स्टेशन। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है तालचेर रेलवे स्टेशन। अब यहां से बाहर जाते हैं और कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, क्योंकि यहां पर 20 मिनट का स्टॉपेज है ट्रेन का। ये एग्जिट गेट है यहां का तालचेर का। इधर पूरा मार्केट है। जल्दी से 3 प्लेट खाना पैक कराते हैं और यहाँ से निकलते हैं जल्दी। तो ये दुकान है, यहाँ से लेंगे मिल। तो खाना हम लोगों ने पैक कर लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से और एक तो होल्डिंग लेते हैं, फिर चलते हैं। तो यहाँ से थम्सअप लेंगे 2 लीटर का, फिर निकलेंगे। पंद्रह मिनट हो गया है और 5 मिनट ट्रेन रुकेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से इंजन चेंज हो चुका है ऑलरेडी, तो ट्रेन यहाँ से निकल जाएगा। तो ट्रेन हमारे पहुंच चुकी है संबलपुर जंक्शन। ये ईस्ट कोस्ट रेलवेज का एक हेडक्वार्टर भी है। यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉपेज है, क्योंकि इंजन यहाँ पर भी चेंज होता है। और इसके बाद सीधा बिलासपुर तक ट्रेन जाएगा, वहाँ पर किसी बीच में कोई इंजन चेंज नहीं होगा। यहाँ पर 5 रुपये में 1 लीटर RO वाटर भरने की फैसिलिटी है, पीछे में आप देख सकते हैं।
एचसी में मैंने 2 लीटर भर लिया है, तो पानी अब सीधा बिलासपुर तक के लिए हो जाएगा। तो ट्रेन हमारी संबलपुर से निकल रही है, तो अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है झारसुगड़ा रोड रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से ये मेन जो झारसुगड़ा जंक्शन है वहाँ पर नहीं जाती है, यहाँ से ये ट्रेन घूम जाती है रायगढ़ के लिए। ये पेंट्री कार है, एसी वाला पेंट्री कार। ट्रेन हमारी निकलने वाली है, अब चढ़ते हैं सीधे। हमारी क्रॉस कर रही है अभी झारसुगड़ा को। इसको ऐसा समझ सकते हो जैसे सिटी में रिंग रोड होता है, बस वैसे ही है, सिटी के साइड साइड से होते हुए निकल जाएगी ये। मेन सिटी के जो रेलवे स्टेशन है झारसुगड़ा जंक्शन, वहाँ नहीं जाती है ये। तो हमारी ट्रेन उड़ीसा छोड़ के अभी छत्तीसगढ़ में एंटर कर चुकी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है RIG और ये छत्तीसगढ़ में आता है ये स्टेशन। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पर हीराकुद एक्सप्रेस का। तो ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अभी खरसिया रेलवे स्टेशन। यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज था, तो अब ट्रेन कॉकिंग हो गया है, तो ट्रेन अब निकलने वाली है, सीधा अपने सीट पे चलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं चापा रेलवे स्टेशन, जो कि छत्तीसगढ़ का कुछ फेमस रेलवे स्टेशन में से एक है। तो यहाँ पर ट्रेन अभी रुकी हुई है, इसका कोड है CPH। यहाँ पर लगभग सारी ट्रेनें रुकी हुई है। फिर कोरबा जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन यहाँ से बदलना पड़ेगा। ये इधर से सीधा डायरेक्ट ये चांपा जंक्शन है एक्चुअली। यहाँ से बिलासपुर के लिए भी ट्रेन कटा हुआ है, मतलब रेलवे लाइन, और कोरबा के लिए भी अलग से रेलवे लाइन। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और इसका स्टॉपेज यहाँ पर 15 मिनट का है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन का कोड है BSP। अभी जो हम जिस ट्रेन में जाने वाले हैं ट्रेन 6 नंबर पर लगेगा 11:55 पर। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो सीधा वेटिंग हॉल चलते हैं। वेटिंग हॉल में अभी टाइम हो गया है 9:42, तो चलते हैं डिनर उनर करते हैं फिर उसके बाद। यहाँ आप देख सकते हैं सामने ATM है, तो पैसा निकालने का कोई इशू नहीं होने वाला है। यहाँ पर लंच करने के लिए या ब्रेकफास्ट या फिर डिनर जो भी है सबके लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है क्योंकि पूरा रेलवे का ज़मीन है। तो मैंने ऑर्डर किया है चिकन करी और तंदूरी रोटी, आज का डिनर यही रहेगा। तो खाना पीना हो गया कंप्लीट, एक स्प्राइट का बोतल ले लिया, वो छोटा वाला। अब सीधा स्टेशन में चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर।
ये कुछ इंटीरियर है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का। अभी चलते हैं हम लोग वहीं पर जहाँ से आए थे। तो ट्रेन हमारी आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। ट्रेन नंबर है 18257। ये बिलासपुर से निकलती है और ये एक्सप्रेस है, ये चिरमिरी तक जाती है, सुबह 6 बजे तक पहुँचाएगी। तो टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है 235 किलोमीटर, लेकिन इसको लगभग लग जाते हैं 7 से 8 घंटे, क्योंकि इस ट्रेन के टाइमिंग को इस तरह से बनाया गया है कि ये सुबह ही पहुँचे। ट्रेन यहाँ से 11:55 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रवाना होगी और सुबह 6 बजे के आसपास चिरमिरी पहुँचाएगी। सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन। यहां से लगभग आधा घंटा और लगेगा चिरमिरी के लिए। आप देख रहे हैं अंग्रेज जमाने का ब्रिज, अब अवॉन्डेड हो गया है। ये हसदेव नदी है। हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ ट्रेन की रफ्तार जो रहती है वो 40-50 किलोमीटर प्रति आवर से उससे ज्यादा नहीं रहती है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चिरमिरी। ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लगेगी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चिरमिरी रेलवे स्टेशन। चिरमिरी रेलवे स्टेशन का कोड है CHRM और टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 900 किलोमीटर 26 घंटे में। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।